करते हैं बिजनेस स्टार्टअप प्लान की। ठीक है, बिजनेस स्टार्टअप प्लान क्या होता है, क्यों होता है और इसे क्यों यूज करना चाहिए। अगर ये चीज आप समझ गए तो समझिए आप अपना स्टार्टअप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट या सर्विस आप मार्केट में सेल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बिजनेस स्टार्टअप प्लान करना चाहिए। और प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में सेल करने के लिए भी आपको कोई तो प्रोटोकॉल तैयार करना पड़ेगा ना। तो उस प्रोटोकॉल तैयार करने के क्या फैक्टर्स हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ। नंबर वन कि व्हाट इज द बेस्ट प्राइस दैट यू विल सेट फॉर योर कंज्यूमर्स फॉर योर प्रोडक्ट्स और मार्केट टू सेल इन द मार्केट। ठीक है, एक तो हो गया। और फिर हो गया कि बेस्ट लोकेशन क्या है। बस बेस्ट लोकेशन का मतलब क्या है कि जहां पे जिस भी मार्केट में आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने जा रहे हैं तो वहां के जो भी सिनेरियो रहेगा मार्केट सेलिंग का तो वो कैसा रहेगा, वहां से आपको रिस्पांस कैसा मिल सकता है, ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और फिर देखते हैं कि अगर कोई एक पर्टिकुलर मार्केट में आप जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा ना कि उस मार्केट में आप अकेले ही होंगे, वहां पे बहुत सारे कंपटीटर्स भी हो सकते हैं, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे उस कंपटीशन में। ठीक, और फिर जब आप मार्केट में लेके जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को तो मार्केट में डिमांड कितनी है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की, डिमांड बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, तो आपको तो तैयार रहना पड़ेगा उसके लिए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फाइनेंशियल एड। फाइनेंशियल एड क्या है, अपने बिजनेस के लिए आपने या तो लोन लिया है किसी से, या फिर आपने किसी से जस्ट अपने पेरेंट्स से पैसा उधार लिया है, या फिर आपके पास खुद की मनी है जो कि आपने इन्वेस्ट कर दी, या फिर आपको ऐसे इन्वेस्टर्स मिले हैं जो कि आपके बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करके दे सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हो सकती है। लेकिन हम IMSR में आपको ये बताते हैं कि इन सब चीजों को यूज किए बिना कम से कम इन्वेस्टमेंट करके आप अपना खुद का बिजनेस कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, यही चीजें हम आपको सब बताएंगे सभी प्रोटोकॉल सभी फैक्टर्स के साथ। व्हाट इज द बिजनेस स्टार्टअप प्लान।